शिशु वाटिका में 12 व्यवस्थाएं, उनमें से एक व्यवस्था कौन सी है? कार्यशाला। पिछले वाले वीडियो में भी कार्यशाला में बताया था कि कौन से हमारी जगह जगह पर सहायता करते हैं, जो कार्य करते हैं वो हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, पुलिसकर्मी है और किसान है। ये हमारी क्या है, जगह जगह पर सहायता करते हैं ना, करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कुम्हार, कुम्हार भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि मटकी कौन बनाता है, कुम्हार बनाते हैं ना। और जो गुल्लक होते हैं, पैसे डालते हैं, छोटे बच्चे चिल्लर डालते हैं, वो कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है ना। ये क्या हमारी सहायता करते हैं। अगर हम चलिए, अगर मटकी नहीं बनाएंगे, दीपक नहीं बनाएंगे, जैसे दीपावली पे दीपक जगाते हैं, वो कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है ना। कभी गए होंगे, बच्चे को भी दिखाना है, जैसे कभी आप मार्केट लेके गए हो तो वहां बताना है कि ये दीपक है, कभी मटकी भी ले रहे हो तो बच्चा आपके साथ में है तो बताना है कि ये कौन बनाता है, ये कुम्हार बनाता है, ये हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि हमारी सहायता कौन कौन करता है, कौन कौन करता है। और पेरेंट्स कभी बाहर गए हैं, बच्चे को लेके गए हैं, तो आप वो ही जानकारी देंगे कि ये मटकी कौन बनाता है, ये चीजें जो मिट्टी के सामान होते हैं, जो मिट्टी की आकृति से जो सामान बनते हैं, वो कौन बनाता है, कुम्हार की जानकारी कौन देंगे, पेरेंट्स खुद देंगे, है ना। तो भैया को पता रहेगा हमेशा कि ये वस्तु कौन बनाता है। नहीं तो क्या, अपन घर में मटकी आसानी से दिख जाती है, तो उनको पता होना चाहिए ये मटकी है, किससे बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई। जैसे ये देखो कलश है, और जो मम्मी पूजा करती है, करवा चौथ पर करवा बनाते हैं, वो कौन बनाता है, ये कुम्हार बनाता है। किससे बनाते हैं, मिट्टी से, मिट्टी से बनाते हैं। पहले वो मिट्टी अच्छे से खोदता है, फिर उस मिट्टी को बहुत ही ऐसे लीपा पोती चिकनी बनाता है, फिर उससे देखो मशीन से ये कितनी मेहनत से बनाता है ना, कितनी मेहनत से बनाते हैं, फिर वो पकाते हैं अच्छे से, फिर वो कहाँ पे आता है, मार्केट में आता है, फिर वो बेचने के लिए आते हैं मार्केट में। वो बनाते हैं कौन है, कुम्हार, कौन बनाते हैं, कुम्हार। कुम्हार के बारे में जानकारी देनी है भैया बहन को कि ये कुम्हार है, क्या क्या चित्र, क्या क्या बनाते हैं, जैसे मटकी हुई, छोटा कलश हुआ, और गुल्लक हुआ, दीपक हुए, बड़ा दीपक हुआ, सुंदर सुंदर आकृति बनाते हैं ना। कभी हम दीपावली पे पूजा के लिए लेके आते हैं दीपक, तो भैया को बताने कि ये दीपक है, इसमें तेल डाल के हम चलाते हैं, तो ये बनाता कौन है, जो मेन है वो बनाता कौन है, कुम्हार बनाता है, कौन बनाता है, कुम्हार। तो इसे भैया को खुद को जानकारी देनी है पेरेंट्स को कि कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है, कौन बनाता है, ये कुम्हार, है ना। देखो आज मैंने कार्यशाला के बारे में किसके बारे में बताया, कुम्हार के बारे में बताया, और पहले मैंने किसके बारे में बताया था, किसान के बारे में। किसान भी हमारी सहायता करते हैं, है ना। अनाज कौन लेके आता है, किसान। और जैसे डॉक्टर है, अगर हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो ये भैया बहन को बताना है कि जब भी कोई भी काम होता है तो हम किसकी सहायता लेते हैं, तो भैया बहन को जानकारी रहेगी कहीं भी जाएगा तो, ठीक है। तो इसके बारे में भी भैया को जानकारी देना। अब मैं थोड़ी सी आपको पढ़ाई बताऊंगी। पिछले वाले वीडियो में बताया था जैसे कि ये पहचानना है व्यंजन, ये व्यंजन है, व्यंजन का क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क, क, ये चित्र है, क, है ना। और ये क्या है, ख, खाली चित्र नहीं दिखाया मैंने, अक्षर बताया, ख, क्या बोलेंगे इसको, ख, ख से खरगोश होता है ना, वो ख बताया, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ग, ग से क्या होता है, गाय। पहले वाला चित्र में चित्र दिखाया था, फिर अक्षर बताया था, मैंने खाली अक्षर दिखाया, इसे पहचान बतानी है, खाली अक्षर बताना है कि ये कौन सी पहचान, क्या करोगे इसकी पहचान, कैसे करोगे, ग है ये, क्या बोलेंगे इसको, ग, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, घ, घ से घड़ी होती ना, वो घ। और ये हड़, हड़ यानी खाली होता है, हड़। ये पांच अक्षर बताए मैंने, क्या बोलेंगे पहले, क, ये देखो ये क्या है, क, ठीक है। और ये क्या है, ख, ऐसे बोलना है, भैया को बताना है और पहचान करवानी है, ठीक है। ये क्या है, ग, और ये है घ, और ये हड़। ये पांच अक्षर बताए, ध्यान में रहना, ठीक है। ये बीच में पूछती हूँ, ये क्या है, घ, और ये हड़, है ना, और ये ग, और ये ख। ये पांच अक्षर बताए,
या आपको ध्यान से देखने हैं और घर पे आसानी से किताब होगी पहले वाली, तो उसमें पेरेंट्स को दिखाना है और पहचान करवानी है। साथ में ही जो भी जैसे कहीं भी जाते हैं तो हम भैया को वो जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि मटकी भी घर पे मिल जाती है तो बता सकते हो कि ये कौन बनाता है। जैसे दीपक है, अगर दीपक घर पे मिलता है तो उसको जानकारी देना गहराई तक, उसको पता तो है ये दीपक है पर बनाता कौन है उसकी भी जानकारी देनी चाहिए भैया को, तो उसको हमेशा ध्यान रहेगा और याद रहेगा, कुछ स्थायी ज्ञान हो जाएगा कि भाई इसको कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है, कुम्हार हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं ना। ठीक है, अब ये बच्चे को बताना है और उसको जानकारी देनी है। धन्यवाद।